उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए इमेशपाल मर्डर केस में आरोपियों में से एक गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद पुलिस पे गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने का काफी प्रेशर है। गुड्डू को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम भी बनाई गई है, जो कि उसके अलग अलग पॉसिबल ठिकानों पर रेड मार रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डू आखिरी बार उड़ीसा में देखा गया था। इन सब के बीच कई मीडिया आउटलेट जैसे कि आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, एनडीटीवी, टीवी 9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन, पंजाब केसरी और इंडिया टीवी आदि ने अपने शो पे एक सीसीटीवी फुटेज चलाया, जिसमें कि एक शख्स को चलते हुए देखा जा सकता है। इसे शेयर करते वक्त क्लेम किया गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स गुड्डू मुस्लिम है। कई लोगों ने इस फुटेज को सच मानकर शेयर भी किया। हालांकि क्लेम झूठा है। वीडियो में दिख रहे शख्स उड़ीसा के रहने वाले हामिद मोहम्मद है। सर्च करने पर हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के भुवनेश्वर ब्यूरो के चीफ अशोक प्रधान का एक ट्वीट मिला, जिसमें कि उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति गुड्डू मुस्लिम नहीं है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स अपने बारे में बता रहा है। वीडियो में वो अपना नाम हामिद मोहम्मद बताता है। वो उड़ीसा के बाड़गा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। वीडियो में वो कहता है कि वो नमाज पढ़ने आया था, जब किसी ने उसकी फुटेज को गुड्डू मुस्लिम का बताकर शेयर कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम है शेख हामिद मोहम्मद, मैं सोहेला का रहने वाला हूँ। मैं सोहेला मस्जिद अपना घर है, अब नमाज भी पढ़ने आते हैं, रमजान महीना था। वीडियो का जो वायरल हो रहा है उसमें उसके बारे में क्या बोलेंगे? वीडियो जो वायरल है, हमको लड़के लोग बताया कि तेरा नाम में गुड्डू मुस्लिम बोलकर वायरल हो रहा है, बोले मोबाइल में दिखाए, तो ये गलत काम हो रहा है ना। जो भी न्यूज वाले भी ये गलत काम करें उनको एक्शन लिया जाएगा। उस दिन ये वीडियो किसका है? उस दिन मेरा वीडियो है वो वाला। क्या करने आए थे, क्या कर रहे? मैं नमाज पढ़ने आया था, नमाज पढ़ के वजू बना के मस्जिद अंदर घुसते हम लोग। तो वो वीडियो है? वही वीडियो है। तो क्या बोल के वायरल हो रहा है? गुड्डू मुस्लिम है बोलकर। तो आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या प्रतिक्रिया? ऐसा काम, जो गलत काम कर रहा है उसको तो सजा देना चाहिए पहला बात, और जो दोषी है उसको पकड़े, वो जाकर उससे पकड़ कर अपना समझौता करे। इसके बाद हमने गुड्डू मुस्लिम और हामिद की फोटो को कंपेयर किया, जिसमें कि साफ साफ पता चलता है कि दोनों अलग अलग शख्स हैं। बाद में कई मीडिया चैनल्स ने अपनी गलती पकड़े जाने के बाद बिना कोई क्लैरिफिकेशन के वीडियो डिलीट कर दिया,